भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी में कौन है सबसे महंगा स्टार और किसकी फिल्म कमाई करेगी इस साल सबसे जबरदस्त, ये टॉपिक तो हमेशा उड़ते रहते हैं और उठना भी चाहिए क्योंकि ये तीनों है भोजपुरी सुपरस्टार और तीनों है भोजपुरी फिल्मों के सिरमौरे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल इनकी टोटल यानी कि हर एक की लगभग 7 से 8 फिल्में आएंगी और इन्हीं पे टिका है भोजपुरी फिल्मों का दारोमदार। वैसे जहां एक तरफ खेसारी की दीवानापन ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, वहीं निरहुआ की रिलीज हुई फिल्म सौगंध ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया और भले ही पवन की फिल्म इस साल अभी तक रिलीज नहीं हुई है लेकिन होली के गानों ने जो धमाल मचाया है उससे उनका दबदबा बरकरार है। लेकिन पवन की फिल्म लोहा पहलवान और वांटेड की सफलता बहुत ही मायने रखती है पवन के दबदबे को कायम रखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों सुपरस्टार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं प्रदीप पांडे चिंटू। प्रदीप पांडे चिंटू की लगातार फिल्में सुपरहिट हो रही हैं और वो धीरे धीरे ही सही लेकिन भोजपुरी सिनेमा में अपना सिक्का जमाते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण है उनकी आने वाली फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 और दिलवाले, जिसे बहुत ही अच्छी फिल्म माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस साल भोजपुरी सिनेमा पे ये दोनों फिल्में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगी। प्रदीप पांडे चिंटू धीरे धीरे ही सही लेकिन तीनों सुपरस्टार की फिल्में अपने हाथों में लेते जा रहे हैं। जो फिल्में निरहुआ, खेसारी, पवन नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रदीप पांडे चिंटू लगातार साइन करते जा रहे हैं। प्रदीप के साथ खास बात यह है कि उनके साथ भोजपुरी की हर बड़ी एक्ट्रेस काम करना चाहती है, यानी कि प्रदीप पांडे चिंटू बन गए हैं पवन, निरहुआ और खेसारी के सबसे बड़े सिरदर्द। और यही हाल रहा तो प्रदीप पांडे चिंटू एक दिन भोजपुरी के सुपरस्टार की लिस्ट में पहले स्थान पे होंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।